नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बीआरएस एमएलसी के कविता के कई परिसरों की तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि कविता का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और वह इसके लिए कोर्ट में लड़ती रहेगी। वही कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता को 7 दिनों की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति प्रसार भारती के अध्यक्ष पद के लिए चयन पैनल के प्रमुख होते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक व्यक्ति 3 सदस्य पैनल को पूरा करते हैं। बैठक में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई और सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली छावनी में नौसेना के नए मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया। यह मुख्यालय आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा, जिसके तहत पहला चरण यानी 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैरोना, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और तीसरे चरण यानी 13 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ओनला, बरेली। वहीं चौथे चरण यानी 13 मई को शाहजहानपुर, फेरी, दौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। इसके अलावा पांचवें चरण 20 मई को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबांकी, फैजाबाद, केसरगंज, गोंडा। साथ ही छठे चरण में 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और सातवें चरण यानी 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बंसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि चुनाव के परिणाम 4 मई को जारी होंगे। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 7 चरणों में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा और 4 जून को नतीजे आएंगे, जहां पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई, सातवें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और 7 जून को नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। वहीं 26 अन्य राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा। इन चुनाव के रिजल्ट भी 4 जून को ही जारी किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय पर प्रस्ताव पारित होने पर भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाक को आईना दिखाया। प्रस्ताव को पाकिस्तान ने पेश किया था, जिससे भारत ने दूरी बनाई। कंबोज ने कहा कि किसी के धर्म या आस्था से संबंधित भय केवल इस्लाम संबंधी नहीं है, इससे दूसरे धर्म के लोग भी पीड़ित हैं। मोदी सरकार ने आतंकवाद पर एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है, जहां गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी मोहम्मद यासिन मलिक की गुट पर बैन 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, जिन्होंने खुद एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से इसमें श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, अधिकार, सुरक्षित रोजगार समेत कई बड़े वादे किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के लिए 7वें चरण में मतदान संपन्न होगा। मतदान की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 2 सीटों पर अपने पुराने चेहरे पर ही दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपने 1 उम्मीदवार की लिस्ट जारी नहीं की है।
जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में देरी के सवाल पर बोले चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, कहा अभी सुरक्षा के कारणों और अतिरिक्त सुरक्षा बल की आवश्यकता के चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं करवाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आगामी आम चुनाव में सजग रहने की प्रतिबद्धता जताते हुए राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया है। बोस ने चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं मतदान के दिन सड़क पर मौजूद रहूंगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी की शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत हुई, जहां संजय राउत ने कहा कि वीवीए को हमने 27 सीटों की सूची दी थी, उनमें से हमने उन्हें 4 सीटों का प्रस्ताव भेजा है। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 7 मई को तीसरे चरण में संपन्न होगा, वही वोटों की गिनती एक साथ ही 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 48 पुलिस अफसरों को किया गया ट्रांसफर, गृह विभाग ने 8 एडिशनल SP बदले, वहीं पुलिस मुख्यालय ने 40 DSP का किया तबादला। लहसुन एक ऐसा सुपर फूड है जो अनेक तरह से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। यह आर्गो सल्फर कंपाउंड से भरपूर होता है जो कोलेस्ट्रॉल, सूजन और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करता है। इसके साथ ही नसों में जमा फैट को कम करने में भी मदद करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली है, जहां 5 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट ipbonline.com पर जाकर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जहां निर्वाचन आयोग ने पहले फेज में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, दूसरे फेज में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, तीसरे फेज में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, चौथे फेज में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, जबकि पांचवे फेज में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, वही छठे फेज में वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज, जबकि सातवें फेज में आरा, बक्सर, सासाराम के अलावा सीएम के गृह क्षेत्र नालंदा, बिहार की राजधानी पटना की 2 सीटों के साथ काराकाट और जहानाबाद में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, ईडी के समन पर पेश न होने पर अदालत ने 15,000 के निजी मुचलके पर दी जमानत। पंजाब के फरीदकोट में CIA स्टाफ और गैंगस्टरों के बीच हुआ मुठभेड़, 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 1 हुआ फरार। लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए छठे चरण में मतदान संपन्न हो जाएगा, वही चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे। उत्तराखंड के भी सभी 5 संसदीय सीट के लिए पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। झारखंड में 4थे से 7वें चरण में होगा लोकसभा चुनाव, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा तथा पलामू में 4थे चरण में चुनाव होगा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में 5वें, गिरिडीह, धनबाद, रांची तथा जमशेदपुर में 6ठे चरण में चुनाव होगा, वहीं संथाल की 3 सीटें राजमहल, दुमका तथा गोड्डा में अंतिम एवं 7वें चरण में मतदान संपन्न किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, जहां मोहन सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के 100 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। आदेश के मुताबिक शहडोल, गुना, पन्ना और सिंगरौली जिले को नए कलेक्टर मिलेंगे, वहीं उज्जैन और शहडोल के लिए नए संभागायुक्त नियुक्त किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट। We'll be right back.